अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छी होंगे फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, मैं हर बार आपके लिए एक मोड लेके आता हूं, तो फ्रेंड्स आज मैं फिर हाजिर हूं आपके लिए एक और मोड लेकर। फ्रेंड्स आज के हमारे मोड का नाम है GTA San Andreas विंग मोड फॉर PC। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम सीखेंगे कि किस तरह इसको मेरी वेबसाइट से डाउनलोड करें, किस तरह अपनी PC की GTA San Andreas के अंदर इंस्टॉल करें और इसको किस तरह यूज करें। तो फ्रेंड्स इसमें हम पूरा मेथड बताएंगे, मैं आपको पूरा मेथड बताऊंगा। तो फ्रेंड्स अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बने हुए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी सारी वीडियोस पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स चलते हैं इसके डाउनलोडिंग मेथड की तरफ। फ्रेंड्स ये है मेरी वेबसाइट worldpacerate.blogspot.com। वैसे मैं आपको वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा जिस पर क्लिक करते ही आप सीधा मेरी पोस्ट पर पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको मिल जाएगा GTA San Andreas विंग मोड फॉर PC। फ्रेंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हर मोड का लिंक देता हूं, वहां जाके चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड यहां पे आपको मिल जाएगा GTA San Andreas विंग मोड फॉर PC। आप सिंपली नीचे आ जाएं, नीचे आ जाने के बाद आपको यहां पे इसके कंट्रोल और इंस्टॉलेशन मेथड मिल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इसको यूज करना है, इंस्टॉल करना है वगैरह। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मोड का साइज भी मिल जाएगा, मोड का साइज आपको 4 MB मिल जाएगा। साथ फ्रेंड्स आपको टू लिंक्स मिल जाएंगे, लिंक वन लिंक टू, एक मीडिया फायर का और एक ड्राइव का है। तो हम लिंक टू से कर लेते हैं, ये ड्राइव का लिंक है। तो फ्रेंड जैसे आप लिंक टू पे क्लिक करेंगे आपके पास एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट पेज के ओपन होने के बाद क्या करना है, फ्रेंड यहाँ पे आपको ये लिखा नजर आ रहा होगा, क्लिक ऑन द अबव बैनर एंड पेस्ट द लिंक बिलो द टेक्स्ट बॉक्स, देन यू कैन डाउनलोड एनी फाइल विदाउट वेटिंग। तो फ्रेंड्स ये आपको ये नजर आ रहा होगा, एड सी होगी, आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने इसका लिंक एड्रेस कॉपी करके फ्रेंड सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो फिर आपने सबमिट लिंक पे क्लिक करना है। तो सबमिट लिंक पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड ये नीचे आ जाएगा। तो नीचे आ जाने के बाद ये आपका ऐड का लिंक चेक कर रहा है। तो फ्रेंड यहाँ आप इसको डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर दे, डाउनलोड पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड जैसे ही मैं डाउनलोड नाउ पे क्लिक करूंगा मेरे पास एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा GTA San Andreas विंग मोड फॉर PC। फ्रेंड यहाँ पे आपको साथ साथ एक डाउनलोड बटन भी शो हो रहा होगा। तो फ्रेंड मैं मोड को डाउनलोड नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो फ्रेंड्स चलते हैं इसके इंस्टॉलेशन मेथड की तरफ। फ्रेंड्स आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप मोड को बिल्कुल परफेक्ट इंस्टॉल कर सकें अपने GTA San Andreas में। तो फ्रेंड्स मोड डाउनलोड होने के बाद आपके पास एक एक्सट्रैक्ट फाइल आ जाएगी कुछ इस तरह की, आपने इस पर राइट क्लिक करना है और इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है। तो फ्रेंड्स एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद आपके पास एक फोल्डर शो हो जाएगा कुछ इस तरह का, आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा GTA 3 IMG टू योर GTA SA फाइल लोकेशन टूल्स एंड हाउ टू इंस्टॉल एंड। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपने जाना था फोल्डर पर टू योर GTA SA फाइल लोकेशन, आपने सिंपली इसको ओपन करना है और जितनी भी फाइल्स हैं इसमें इसको कॉपी करने के बाद आपने अपने GTA San Andreas के फाइल लोकेशन पे जाकर इसको सिंपली पेस्ट कर देना है। तो मैं भी बिल्कुल इसी तरह करता हूँ, अपनी फाइल लोकेशन पे जाते हैं जहाँ मेरी GTA San Andreas इंस्टॉल हुई हुई है। तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास एक फ्रेश GTA San Andreas हो, न्यू, उसमें कोई मोड वगैरह ना डला हो। हम इसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट हो जाए फिर मुझे अगले मेथड की तरफ चलते हैं। आप दोबारा अपने सेटअप वाले फोल्डर में आ जाएं। फ्रेंड्स अगर आपके पास रिप्लेस का ऑप्शन है तो आपने रिप्लेस भी कर देना है। तो ये अब आपके पास आ जाएगा, ये है टूल्स और GTA 3 IMG। तो बात को आपने बिल्कुल गौर से सुनना है, आपने सिंपली टूल्स को ओपन करना है और IMG टूल के हमें मेथड में क्या करना है। तो ये IMG टूल मेरा ओपन हो गया। तो यहाँ पे आपने सिंपली फाइल में जाके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपने करना कि आपने वहां जाना है जहाँ पे आपकी GTA San Andreas की फाइल लोकेशन हो। फाइल लोकेशन में मैं मेरी यहाँ पे पड़ी है। तो GTA San Andreas की फाइल लोकेशन में जाके फ्रेंड्स आपने इसके मॉडल्स में जाना है। मॉडल में जाके फ्रेंड्स यहाँ पे आपको GTA 3 का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है IMG टूल के अंदर। तो ये फ्रेंड्स ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो फिर मैं आपको आगे का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे जब ये ओपन हो जाएगा आपके पास, आपने कमांड्स में जाना है और ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपने अपने उस सेटअप वाले फोल्डर में जाना है। मैंने यहाँ पे आपको IMG टूल दिया है। तो फ्रेंड हम चलते हैं अपने, तो ये यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ये फोल्डर आ गया हमारा। यहाँ पे आपको GTA 3 IMG मिल जाएगी, आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है और वन बाय वन करके आपने ये जो चार आपको मिलेंगी फायर विंग्स DFF TXD, ये चार फाइल्स होंगी, ये चार फाइल्स, इन चार फाइल्स को डालना है। तो चलें एक हम वन बाय वन करके इनको डाल लेते हैं। ये देखें पहले मैं इसको ऐड कर दूंगा, तो ये ऐड हो जाए, फिर हम दोबारा एक अगली फाइल को ऐड करते हैं। वन बाय वन करके फ्रेंड्स हमने सारी फाइल्स को ऐड कर दें। तो चलें मैं ऐड कर देता हूँ, हम इसको भी ऐड कर देंगे और अगली फाइल को भी हम ऐड कर देंगे। तो हम इसको अगली फाइल्स को भी ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड ये देखे हमने इन सब फाइल्स को ऐड कर दिया। तो ये ऐड होने के बाद ये देखे फ्रेंड ये आपके पास नीचे शो हो जाएंगी। ये देखिए हमारे पास शो हो रही है। अब आपने सिंपली कमांड्स पे क्लिक करना है दोबारा और आपने रिबल अचीव पे क्लिक कर देना है। तो ये फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम लेगी, इतने मैं आपको बता देता हूँ हाउ टू यूज एंड इंस्टॉल। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिया तकरीबन, फ्रेंड मैं आपको सब मोड्स के अंदर देता हूँ। तो आप सिंपली अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो आप इसको ओपन कर लें और ओपन करके आप पढ़ सकते हैं, बकायदा इस पर हर चीज लिखी होती है। साथ साथ मेरे चैनल का आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जिस पे जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह इंस्टॉल करें मुख्तलिफ मोड्स को। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें अभी से
और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर भी कर दें, और अगर आपको कोई मूड चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए कुछ टाइम में हमारा ये हो जाएगा, आपने सिंपली करना क्या, अब आपने इसको सिंपली बंद कर देना है। तो मोड हमारा बिल्कुल परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है। तो फ्रेंड चले अपनी गेम की जान चलते हैं GTA San Andreas की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने इसको यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स हम आगे अपने गेम के जाने, मोड तो हमारा बिल्कुल परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है विंग्स मोड GTA San Andreas में। अब इसको बात आती है कि इसको यूज़ किस तरह करना है, तो फ्रेंड्स चले मैं आपको बता देता हूँ यूज़ किस तरह करना है। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और साथ साथ शेयर भी कर दें अगर वीडियो पसंद आया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको टाइप करना होगा एक कोड विंग WING। तो फ्रेंड जैसे आप विंग टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा चीट एक्टिवेटेड। तो चीट एक्टिवेट तो हो गई, अब इसको आप क्या करना है, पर तो हमारे आए नहीं। तो फ्रेंड्स आपने सिंपली वो बटन प्रेस करना है जिससे CJ जंप करता हो, ये देखें शिफ्ट से ये जंप करता है। तो ये देखें फ्रेंड्स, तो ये देखें हमारा विंग मोड बिल्कुल परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है। तो फ्रेंड्स आपको कीज़ को यूज़ करके आप इसको इधर उधर कर सकते हैं, मतलब जिस तरह कंट्रोल करते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स तो वीडियो अगर पसंद आई है तो मैं आपको दोबारा से कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।